दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरी YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। और यदि आप स्वेच्छा से कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन से कर सकते हैं। दोस्तों आज हम ई ग्राम स्वराज से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण तीन आदेश और देखने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको कल कुछ आदेश दिखाए थे, कल जो एक आदेश दिखाया था उसी के आगे हम और भी जानकारी देखने जा रहे हैं। तीन आदेश हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, किस तरह से आगे अब क्रियान्वयन होगा ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर पूरा। तो जैसा हमने कल देख लिया था जिला पंचायत से किस तरह से ब्लॉक पंचायत और जन ग्राम पंचायत में कार्य लिए जाएंगे, अब उसके आगे हम आज देखने जा रहे हैं। तो दोस्तों 24 मई 2021 को जो आदेश निकला है पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, तो संयुक्त सचिव महोदय द्वारा, ज्वाइंट सेक्रेटरी महोदय द्वारा, तो इसमें लिखा गया है दोस्तों इन रिफरेंस टू द अपडेटेड 15th फाइनेंस कमीशन XVFC गाइडलाइंस पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा जो अपडेटेड गाइडलाइन दी गई है 15 वित्त आयोग के संबंध में, उसमें यही दिया गया है कि वेयर इन द टाइड एंड अनटाइड कंपोनेंट्स ऑफ द फंडिंग स्कीम हैव बीन चेंज टू 60% एंड 40% रिस्पेक्टिवली ऑफ द टोटल अमाउंट। तो दोस्तों ये चेंज हो चुका है, अभी तक जो हमने GPTP बनाई थी वो 50% बनाई थी, मतलब 50% टाइड और 50% अनटाइड, लेकिन अब क्या हो चुका है, यहाँ हो चुका है टाइड एंड अनटाइड कंपोनेंट्स ऑफ द फंडिंग स्कीम हैव बीन चेंज टू 60% एंड 40% रिस्पेक्टिवली ऑफ द टोटल अमाउंट। तो 60% दोस्तों अब टाइड होगा और 40% अनटाइड फंड होगा। ठीक है, टाइड फंड आपको पता ही है, टाइड फंड जो होता है केवल सैनिटेशन और पेयजल पर ही हम खर्च कर सकते हैं, वाटर और सैनिटेशन, और 40% जो रहेगा वो हम अलग निर्माण कार्यों पर खर्च कर सकेंगे। इसमें सेकंड ऑप्शन लिखा है दोस्तों सबसिक्वेंटली द एनुअल एक्शन प्लान्स फॉर फाइनेंशियल 2021-22 एट डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल शैल बी रोल्ड बैक टू इनकॉर्पोरेट द न्यू XVFC गाइडलाइंस। जो 2021-22 का जो DPDP और BPDP जो ब्लॉक और जिले की जो GPDP बन रही है वह नई गाइडलाइन के अनुसार ही बनाना है, मतलब 60% 40% के अंतर्गत। द प्रोविजन हैज बीन मेड इन ग्राम स्वराज ई ग्राम स्वराज पोर्टल, रिफरेंस मे बी मेड टू एनेक्सर फॉर SOP 20-20 प्लान रिवीजन। इसको हम आगे समझ रहे हैं कौन सा एनेक्सर है ये। इसके बाद थर्ड पॉइंट है, फर्दर टू दिस द लास्ट डेट ऑफ अपलोडिंग डिस्ट्रिक्ट पंचायत डेवलपमेंट प्लान DPDP एंड ब्लॉक पंचायत डेवलपमेंट प्लान BPDP हैज बीन एक्सटेंडेड टू 15 जून 2021 तक हो चुका था। इट मे बी नोटेड दैट दीज चेंजेस आर ओनली एप्लीकेबल टू डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल प्लान्स। ये जो चेंजेस हो रहे हैं इन्होंने कहा है कि केवल डिस्ट्रिक्ट मतलब जिले और ब्लॉक जनपद लेवल पर ही चेंजेस हुए हैं। फॉर द ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान फर्दर एडवाइजरी विल बी इश्यूड। तो ये भी दोस्तों मैं बताने वाला हूँ, यहाँ इस आदेश में दिया गया था कि जो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान है GPDP उसके लिए एडवाइजरी अलग से जारी की जाएगी, इश्यू की जाएगी। तो इसके इस पर भी मैं बताने वाला हूँ, अभी हम इसकी SOP देख लेते हैं। गाइडलाइंस एंड SOP फॉर रोल बैक ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक डेवलपमेंट एक्शन प्लान। ठीक है, तो पहला है दोस्तों ऑनली डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक प्लान फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 विल बी अवेलेबल फॉर रिविजन इन ई ग्राम स्वराज पोर्टल। रिविजन के लिए जो है ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक के प्लान रखे गए हैं। चेंजेस विल बी मेड इन द रिसोर्स एनवेलप ऑफ ई ग्राम स्वराज पोर्टल। नाउ द XVFC फंड्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज 60% टाइड एंड 40% अनटाइड। ठीक है, तो ये चेंजेस के अनुसार अभी डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक का यहाँ कहा गया है, मैं अभी आपको ग्राम पंचायत का बता रहा हूँ वो कैसे करना है। तो ये 60% और 40% हो चुका है। थर्ड है द रिसोर्स एनवलप हैज बीन चेंज ऑटोमेटिकली फ्रॉम बैक एंड। ठीक है, रिसोर्स एनवलप अब चेंज हो चुका है तो वो अपने आप ही 60% टाइट लेगा और 40% अनटाइट लेगा, तभी वो जो है GPDP BPDP और DPDP को अपलोड करेगा। प्लान विल बी अवेलेबल एट मैनेज ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान स्टेज, जो मैनेज हम करेंगे ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान वहां से वो मैनेज होगा। फील्ड यूजर में डिलीट या एड न्यू एक्टिविटीज एज पर द अपडेटेड रिसोर्स एनवेलप।
ये जो फील्ड यूजर्स जो रहेंगे वो डिलीट या ऐड न्यू एक्टिविटीज कर सकते हैं यदि चाहे तो अपडेटेड रिसोर्स एनालॉजी, इसमें इंजीनियर महोदय भी रहेंगे, सभी रहेंगे दोस्तों। फर्दर स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स ऑफ प्लानिंग एंड प्रोग्रेस रिपोर्टिंग में भी फॉलोड, तो जो अभी स्टैंडर्ड प्रोसीजर ये हो गई है प्लानिंग और प्रोग्रेस की, तो इसको फॉलो करना है, ठीक है। तो ये दोस्तों एक मैंने आपको आदेश दिखा दिया जो कि 24/5/2021 को निकला, 24 मई 2021 को। इसके बाद हम चलते हैं जो आदेश निकला है दोस्तों, इसके बाद हम आदेश देखने जा रहे हैं जो डेट 1 जून 2021 को निकला, 1/6/2021 को निकला है, 1 जून 2021। तो ये भी संयुक्त सचिव महोदय, ज्वाइंट सेक्रेटरी महोदय द्वारा निकला है, पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। तो इसमें भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण बात की गई है, अटेंशन इज इन्वाइटेड टू द अपडेटेड 15th फाइनेंस कमीशन XVFC गाइडलाइंस पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से जो अपडेटेड गाइडलाइन दी गई है, वेयर इन द टाइड एंड अनटाइड कंपोनेंट ऑफ द फंडिंग स्कीम हैव बीन चेंज टू 60% एंड 40% रिस्पेक्टिवली ऑफ द टोटल अमाउंट। पंद्रह वित्त का जो टोटल अमाउंट है अभी तक 50-50% हो रहा था, अब 60% और 40% होगा, मतलब टाइड 60% और अनटाइड 40%। However, the annual action plans for the year, financial year 2021-22 during the People's Plan campaign had been prepared as per the previous XVFC guidelines of 50 or 50 ratio of the tied and untied component in Ingram Swaraj application. यहाँ यही कहा गया है कि जहाँ तक अभी सभी ने फिट कर ही दिया XVFC का जो है 50/50 में, तो इसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा आगे वो हम देखते हैं। 50/50 के रेशो में अभी तक टाइड और अनटाइड का जो है प्लान अपलोड हो चुका है, उसी के बारे में ये कहा गया है, तो अब किस तरह से उसको आगे चेंज होगा वो देखते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिए दोस्तों, क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत हमारे काम का है। कंसिडरिंग द प्रोफ्यूज नंबर ऑफ ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान GPDP अपडेटेड अपलोडेड इन ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन, द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज MOPR हैज डिसाइडेड दैट द एग्जिस्टिंग प्लान शैल नॉट बी रिवर्स, ठीक है। ये बहुत ध्यान से देखिए दोस्तों, जैसा कि इन्होंने कहा है कि GPDP हर ग्राम पंचायत द्वारा अपलोड की जा चुकी है ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर, तो ग्राम पंचायत को अभी रिवर्स बिल्कुल भी प्लान नहीं करना है, ठीक है। केवल ब्लॉक और जिला पंचायत को रिवर्स करना है, ग्राम पंचायत को रिवर्स नहीं करना, उसकी क्या व्यवस्था ये देख लेते हैं। इंटरिम प्रोविजन हैज बीन मेड अवेलेबल इन द अकाउंटिंग मॉड्यूल ऑफ ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन टू इनकॉर्पोरेट न्यू XVFC ग्रांट्स गाइडलाइंस, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि जो प्रोविजन एक जोड़ दिया गया है अकाउंटिंग मॉड्यूल में ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन पर, ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर, जिससे कि न्यू XVFC की जो है गाइडलाइन वो फॉलो किया जा सके 60 और 40 वाली, ठीक है, 60 टाइड और 40 अनटाइड। तो क्या होगी, इन कॉन्सोनेंस विद द 15 फाइनेंस कमीशन गाइडलाइंस ऑल एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू अनटाइड कंपोनेंट शैल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 40%। बहुत ध्यान से देखिए दोस्तों क्या हो गया है, ग्राम पंचायत को कोई भी रिवर्स प्लान करने की जरूरत नहीं है, इसमें सीधे यही कर दिया गया है ग्राम स्वराज पोर्टल पर कि ऑल एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू अनटाइड कंपोनेंट शैल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 40%। मतलब अब हम जो अनटाइड फंड पर है, हमारी ग्राम सभा विकास योजना जो GPDP बनी है एक्शन प्लान, वो वाली 50-50% बनाओ टाइड और अनटाइड के, लेकिन अब हम जो अनटाइड का अमाउंट है वो केवल 40% ही अनटाइड पर खर्च कर पाएंगे, ठीक है। जो 40% जो 15 वित्त XVFC का जो 15 वित्त आयोग का जो अमाउंट है वो अनटाइड ग्रांट पर हम केवल 40% ही खर्च कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ साफ साफ लिखा है कि ऑल एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू अनटाइड कंपोनेंट शैल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 40%, करस्पॉन्डिंगली फॉर टाइड कंपोनेंट द एक्सपेंडिचर अलाउंस शैल बी 60% ऑफ द टोटल अमाउंट, और टाइड कितने पर खर्च कर पाएंगे 60% पर। अ डिटेल SOP ऑफ द सेम मे बी सीन इन द एनेक्सर, एनेक्सर में हम देख भी रहे हैं, अभी देखते हैं। फोर्थ है दोस्तों, इट में आल्सो बी नोटेड दैट द एवो मेंशन प्रोविजन इज एप्लीकेबल टू प्लानिंग ईयर 2021-22 एट ग्राम पंचायत ऑनली। ये जो गाइडलाइन है जो कि रेस्ट्रिक्ट कर दिया है 40% अनटाइड पर और 60% टाइड ग्रांट पर, ऊपर से ही कर दिया गया है, तो वो किस तरह से ये केवल जो हो रहा है केवल ग्राम पंचायत लेवल के लिए हो रहा है, और वो भी फाइनेंशियल ईयर 2021-22। फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर द रिसोर्स एनवलप ऑफ द ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन शैल बी पॉपुलेटेड एज पर XVFC ग्रांट्स गाइडलाइंस,
ये जो सो अभी जो इन्होंने कहा है ये केवल इस फाइनेंशियल ईयर के लिए हो रहा है, जीपीडीपी के लिए, ठीक है। अगले साल तो जब हम फीड करेंगे तभी जो नई गाइडलाइन आई है 60 और 40, इसी तरह से जीपीडीपी हमारी फ्रीज होगी, जीपीडीपी एक्शन प्लान, ठीक है। तो इस साल हमें रिवर्स करने की ग्राम पंचायत में कोई जरूरत नहीं है, वो अप्रूव रेस्ट्रिक्टेड टू 40% हो जाएगा अनटाइट पर और 60% टाइट ग्रांट पर, ठीक है। तो ये हो गया है, अब हम इसका एसओपी देख लेते हैं। एसओपी टू वैलिडेशन दैट हैव बीन अप्लाइड इन एक्सपेंडिचर मॉड्यूल ऑफ ई ग्राम स्वराज पेमेंट वाउचर, इफ अ यूजर सेलेक्ट्स अ पर्टिकुलर एक्टिविटी टू बुक एक्सपेंडिचर वाउचर देन, दो वैलिडेशन किए जाएंगे जब हम एक्सपेंडिचर करेंगे, खर्च करेंगे ई ग्राम स्वराज पोर्टल और पेमेंट वाउचर के तहत, तो वो कौन कौन। पहला होगा ही इज नॉट अलाउड टू डू एक्सपेंडिचर मोर देन अमाउंट अप्रूव्ड इन एडमिन अप्रूवल फॉर सेलेक्टेड एक्टिविटी, मतलब पहला दोस्तों यही रहेगा कि जितना हमने जब उसका TSAS करा है, एडमिन अप्रूवल किया है, वो जितने अमाउंट का किया है उससे ज़्यादा हम खर्च नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, ही इज नॉट अलाउड टू डू एक्सपेंडिचर मोर देन अमाउंट अप्रूव्ड इन एडमिन अप्रूवल फॉर सेलेक्टेड एक्टिविटी, किसी भी कार्य पर हमने जितना AS कर दिया है, TSAS जितना कर दिया है उससे ज़्यादा हम अमाउंट खर्च नहीं कर पाएंगे। सेकेंड ऑप्शन है ही इज नॉट अलाउड टू डू एक्सपेंडिचर मोर देन द अमाउंट रिसीव्ड थ्रू रिसिप्ट वाउचर फॉर दैट स्कीम कंपोनेंट, मतलब हमने जितना रिसिप्ट वाउचर के अंतर्गत फंड रिसीव किया है उससे ज्यादा अमाउंट हम खर्च नहीं कर पाएंगे। यही है, ही इज नॉट अलाउड टू डू एक्सपेंडिचर मोर देन द अमाउंट रिसिप्ट थ्रू रिसिप्ट वाउचर फॉर दैट स्कीम कंपोनेंट, मतलब रिसीव भी किसके द्वारा, जो रिसिप्ट वाउचर के द्वारा हमने जितना रिसीव किया है उतना ही खर्च हम पेमेंट वाउचर में कर सकते हैं, उससे अधिक नहीं कर पाएंगे। सो दीज टू वैलिडेशन विल रेस्ट्रिक्ट यूजर टू बुक करेक्ट एक्सपेंडिचर फॉर एन एक्टिविटी इरेस्पेक्टेड ऑफ द प्लानिंग डन बाय द यूजर्स इन द पास्ट, ठीक है। अब हमें इसी सावधानी से आगे कार्य करना है। बिलो मेंशन्ड सिनेरियोज विल फर्दर हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म। सिनेरियो कौन कौन से हैं दोस्तों, पहला और दूसरा ये हो सकता है, इफ प्लानिंग इज डन बट रिपोर्टिंग इज नॉट येट डन। प्लानिंग मतलब हमने जीपीडीपी तो बना चुके हैं, एक्शन प्लान बना चुके हैं, मतलब और प्रोग्रेस रिपोर्टिंग नहीं करी है, तो क्या होगा, एक्शन जीपी लाइक ग्राम पंचायत यूजर कैन अल्टर द अमाउंट एट एडमिन अप्रूवल सो दैट एक्सपेंडिचर कैन बी कंट्रोल्ड विद इन द ईयर मार्क अमाउंट डिसाइडेड फॉर एन एक्टिविटी। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, एक्शन ग्राम पंचायत यूजर कैन अल्टर द अमाउंट एट एडमिन अप्रूवल सो दैट एक्सपेंडिचर कैन बी कंट्रोल्ड विद द ईयर मार्क अमाउंट डिसाइडेड फॉर एन एक्टिविटी, ठीक है। इफ प्लानिंग इज डन बट रिपोर्टिंग इज नॉट डन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो एडमिन अप्रूवल है उसमें पूरा अमाउंट डालना पड़ेगा सो दैट एक्सपेंडिचर कैन बी कंट्रोल, तभी हम एक्सपेंडिचर कंट्रोल कर पाएंगे, जो भी उसके लिए हमने ईयर मार्क करके रखा है फंड वही, ठीक है। ईयर मार्क अमाउंट डिसाइडेड फॉर एन एक्टिविटी, जो कार्य के लिए। अब दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है दोस्तों, इफ प्लानिंग एंड रिपोर्टिंग बोथ आर ऑलरेडी डन। दोस्तों मैं इसका प्रैक्टिकल भी अभी आने वाले दिनों में वीडियो बनाकर पोस्ट करूंगा हर काम का, इसलिए और आपको ज़्यादा समझने में आसानी होगी। तो सिनेरियो टू है, इफ प्लानिंग एंड रिपोर्टिंग बोथ आर ऑलरेडी डन, यदि प्लानिंग भी हम कर चुके हैं, एक्शन प्लान भी बना चुके हैं और रिपोर्टिंग भी कर चुके हैं, प्रोग्रेस रिपोर्टिंग भी, तो क्या होगा, एक्शन ग्राम पंचायत यूजर विल हैव टू बुक द एक्सपेंडिचर अगेंस्ट अगेंस्ट ईच एक्टिविटी एंड द रेस्ट्रिक्शन विल बी इम्पोज थ्रू द अमाउंट रिसिव्ड बाय ग्राम पंचायत यूजर फ्रॉम रिसिप्ट वाउचर अंडर द स्पेसिफिक कंटोन टाइड और अनटाइड फॉर XVFC, ठीक है दोस्तों। तो जो ग्राम पंचायत यूजर रहेंगे वो क्या कर सकते हैं, बुक द एक्सपेंडिचर जो पेमेंट वाउचर बना सकते हैं ईच एक्टिविटी हर कार्य का, एंड द रेस्ट्रिक्शन विल बी इम्पोज थ्रू द अमाउंट रिसिव्ड बाय ग्राम पंचायत यूजर फ्रॉम रिसिप्ट वाउचर, जो रिसिप्ट वाउचर के अंतर्गत जो अमाउंट रिसीव किया गया जाएगा अंडर द स्पेसिफिक स्कीम कंपोनेंट, जैसे 15 फाइनेंस कमीशन या और भी कोई सी स्कीम है तो उसके अंतर्गत, तो अंडर द स्कीम कंपोनेंट कौन कौन से, टाइड एंड अनटाइड फॉर XVFC, टाइड एंड अनटाइड फॉर XVFC, ठीक है। इसको मैं प्रैक्टिकल भी दोस्तों दिखाऊंगा। इसके बाद हम चलते हैं एक 15 जून को जो आदेश निकला है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण, तो इसको देख लेते हैं हम। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय भोपाल द्वारा निकला है, दिनांक 15/6/2021 प्रति, ठीक है। इस तरह से विषय मेन यही है कि 15 वित्त आयोग अंतर्गत नवीन निर्देश एवं प्रक्रिया के संबंध में संदर्भ दिए गए हैं इसमें तीनों। इसके बाद दोस्तों यहाँ लिखा है, कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें जिसके आधार पर 15 वित्त आयोग अंतर्गत निम्न निर्देशों प्रक्रियाओं का पालन करें। पहला, जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत की वर्ष 2021-22 की कार्य योजना को दिनांक 15/6/2021 तक अपलोड किया जाना सुनिश्चित
करना है और हो चुका है सुनिश्चित करें, जिसमें 60% कार्य टाइड एवं 40% कार्य अनटाइड राशि से होना अनिवार्य है। जैसा कि हमने पुरानी अभी 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 जो गाइडलाइन देखी उसी के अनुसार है ये कि 60% कार्य टाइड एवं 40% कार्य अनटाइड राशि से होना अनिवार्य है। जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत ग्राम पंचायत को क्रियान्वयन एजेंसी इंप्लीमेंटेशन एजेंसी बनाकर 15 वित्त आयोग की राशि को वेंडर के स्थान पर ग्राम पंचायत के माध्यम से व्यय कर सकेंगी। ये दोस्तों मैंने अभी जो पहले वीडियो डाला इसमें बता चुका हूँ कि किस प्रकार से जिला पंचायत और जनपद पंचायत ग्राम पंचायत को एजेंसी बनाएंगी और किस तरह से वो ट्रांसफर मॉड्यूल का यूज कर कार्य आगे किए जा सकेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। तीसरा है ग्राम पंचायत के 2020-21 से लागू नवीन प्रावधान टाइड अनटाइड राशि के अनुपात 60-40 को लागू करने हेतु ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर यह प्रावधान किया गया है कि पंचायत 40% से ज्यादा अनटाइड ग्रांट की राशि आहरित नहीं कर सकेंगे। मतलब पेमेंट 40%, मतलब जो पेमेंट वाउचर है ग्राम पंचायत वो अनटाइड ग्रांट पर 40% से ज्यादा नहीं कर पाएगी। ठीक है, नहीं बना पाएगी, 40% से ज्यादा अनटाइड ग्रांट पर खर्च नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये ई ग्राम स्वराज पोर्टल में कर दिया गया है, प्रावधान कर दिया गया है। इसके बाद एवं उक्त अनुसार 2021-22 से पूर्व तैयार जीपीटीपी में कोई संशोधन करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो दोस्तों ग्राम पंचायत को कोई भी संशोधन नहीं करना है, केवल ब्लॉक और जिला पंचायत को करना है, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक पंचायत को, बाकी ग्राम पंचायत को कोई भी संशोधन जीपीटीपी में नहीं करना है। वो आपरूप ही ई ग्राम स्वराज पोर्टल प्रावधान कर दिया गया है कि हम 40% से ज्यादा अनटाइट खर्च नहीं कर सकते और 60% टाइट पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो उसमें पहले से रेस्ट्रिक्शन लगा दिए गए हैं कि अनटाइट अब हम 40% ही कर पाएंगे और टाइड ग्रांट जो है वो 60% कर पाएंगे। ठीक है, तो ये लिखा भी है उक्त अनुसार 2021-22 में पूर्व तैयार जीपीटीपी में कोई संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। एसओपी परिषद से दो पर संलग्न है। जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत की राशि का आहरण किस तरह से होगा, तो का आहरण मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीईओ एवं लेखाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाता है। ठीक है, अतः 15 वित्त आयोग की राशि आहरण के लिए मेकर लेखाधिकारी एवं चेकर जो रहेंगे वो मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीईओ को ही निर्धारित किया जाना है। ग्राम पंचायत के 2020-21 से लागू नवीन प्रावधान टाइड अनटाइड राशि के अनुपात 60-40 को लागू करने हेतु ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर यह प्रावधान किया गया कि पंचायत 40% से ज्यादा अनटाइड ग्रांट की राशि आहरित नहीं कर सकेगी एवं उक्त अनुसार 2021-22 से पूर्व तैयार जीपीटी में कोई संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ई ग्राम स्वराज पोर्टल में डिजिटल कैशबुक है, जैसा आप मेरे पुराने वीडियोस में देख चुके हैं हम किस तरह से कैशबुक देख सकते हैं। मेकर का यह कर्तव्य होगा कि वह नियमित रूप से डेबू को क्लोज करे एवं प्रति माह की 1 तारीख को बैंक रिकॉन्सिलेशन करना सुनिश्चित करें। बैंक रिकॉन्सिलेशन इनकी प्रोसेस आप मेरे वीडियोज में देख सकते हैं। दिनांक 10 जून 2021 के पूर्व ग्राम पंचायत जनपद पंचायत जिला पंचायत को वर्ष 2020-21 में प्रदान की गई चारों किस्तों की शुद्धता पूर्वक प्रविष्टि करना सुनिश्चित करना है। ग्राम पंचायत के संदर्भ में सेक्टर प्रभारी एवं उपमंत्री से ग्राम पंचायत की राशि प्राप्तियों की प्रविष्टियों को सत्यापित कराना है। ठीक है, यह लगभग हो चुका है। ई ग्राम स्वराज पोर्टल में वर्ष 2020-21 की प्राप्त राशि की प्रविष्टि 10 जून 2021 तक नहीं होने की स्थिति में पंचायतें राशि आहरित नहीं कर सकेंगी। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि यदि हमने ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर 2020-21 की यदि रिसिप्ट वाउचर नहीं बनाया है 10 जून तक, तो आप वो उसका पेमेंट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर यही प्रावधान है कि यदि हमने रिसिप्ट वाउचर बनाया है तो उतने ही अमाउंट का पेमेंट वाउचर बना सकते हैं। जिला पंचायत के डी एडमिन लॉगिन से सभी ग्राम पंचायतों को मोबाइल ऐप एम एक्शन सॉफ्ट के लिए यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्रदान करना सुनिश्चित करें एवं 2020-21 में लिए गए कार्यों का जियोटेक करावें। दोस्तों आपको जिले के लॉगिन से, डिस्ट्रिक्ट के लॉगिन से, डी एडमिन लॉगिन से हर ग्राम पंचायत को एम एक्शन सॉफ्ट जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसका यूजर नेम पासवर्ड मिलना है। यदि नहीं मिला तो आप संपर्क कर सकते हैं जिला पंचायत में और सारे कार्यों के, जो सारी एक्टिविटीज हैं सारे कार्यों के जियोटेक जरूर करना है। इसके बाद 10वां पॉइंट है दोस्तों, 15 वित्त आयोग अंतर्गत वर्ष 2020-21 में 10% राशि टाइड जो आबद्ध राशि है उपयंत्री एवं सेक्टर प्रभारी के माध्यम से प्रभारी मॉनिटरिंग कर सुनिश्चित करें कि इस निर्देश का गंभीरता पूर्वक पालन किया जाए। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए 15 वित्त आयोग अंतर्गत जो 2020-21 में 10% राशि टाइड आबद्ध राशि जो है वो उपयंत्री और सेक्टर प्रभारी के माध्यम से ही मॉनिटरिंग कर ही उसका जो है पालन करना सुनिश्चित करना है। ग्राम पंचायत जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत की ईयर बुक की क्लोजिंग 10 जून 2021 तक पूर्ण करावें। ये आदेश है, लगभग सभी की पूर्ण हो चुकी है। यदि नहीं हुई है तो आप जल्दी जल्दी ईयर बुक को क्लोज कर लें, मेरे पुराने वीडियोज देखकर आप आसानी से कर सकते हैं। फिर ये दोस्तों
पंचायतों द्वारा कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु किए गए व्यय का प्रावधान शीघ्र ही पोर्टल पर भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप सभी के क्वेश्चंस भी आते रहते हैं सभी दोस्तों के कि सर जो हमने जो अभी खर्च किया है कोविड-19 महामारी में उसका पेमेंट किस तरह से करेंगे, क्योंकि अभी तक प्रावधान नहीं था ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर। आदेश जरूर आया था कि आप खर्च कर सकते हैं ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर कोविड-19 महामारी का अनटाइड ग्रांट से, लेकिन अभी तक प्रावधान नहीं, उसमें ऑप्शन नहीं आया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पंचायत द्वारा कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु किए गए व्यय जो किए गए पेमेंट का प्रावधान भी शीघ्र ही पोर्टल पर भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। जैसे ही ऑप्शन आता है तो आप पेमेंट वाउचर आराम से बना सकते हैं। दोस्तों इस तरह से ये आदेश निकल चुका है, तो मैंने आपको पूरा समझाने का प्रयास किया है। और भी आपको यदि कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये पूरी प्रोसेस होगी, आपको इसी तरह से आगे कंटिन्यू प्रोसेस करना है। दोस्तों ठीक है, इसी तरह की जानकारी के लिए आप मेरे साथ बने जुड़ रही है। आपको पता ही है मेरी YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। और दोस्तों यदि आप स्वेच्छा से कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन से कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।